Okay, so yeah guys, अगर हम valuable smartphones के बारे में बात करें ना, तो Redmi इनमें से एक है, and I am sure इस चीज का इनकार आप भी नहीं कर सकते। But पिछले कुछ सालों से Redmi अपने स्मार्टफोन में ना वो चीजें एड ऑन नहीं कर पाई है जो कि एक्चुअली स्मार्टफोन यूजर्स को चाहिए। आई नो स्मार्टफोन कंपनियां हर साल अपने प्राइसिंग और भी ज्यादा इंक्रीज करती रही है, बट इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता जब तक आप लोगों को वो चीज एड ऑन नहीं कर पाते जो उनको एक्चुअल में चाहिए। सो आई थिंक ये चीज Redmi को तो समझना होगा। एक यूजर को चाहिए परफॉर्मेंस, डिजाइन, कैमरास को हम ऐसे तैसे एडजस्ट कर ही सकते हैं, लेकिन एक स्मार्टफोन यूजर्स को बेस्ट डिजाइन चाहिए, है ना। एंड मैं ये देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से Redmi अपने यूजर्स के लिए रिब्रांडेड डिवाइसेस लॉन्च कर रही है। मेरे ख्याल से ये एक बुरी चीज है और अपने डिजाइन के ऊपर Redmi को फोकस करना चाहिए। आई थिंक सो, आई होप इस बार कुछ नया देखने को मिले फ्रॉम दिस साइड Redmi इन Note 12 5G। वेल, डिजाइन स्ट्रक्चर में इस बार काफी कुछ मेजर अपग्रेड देखने को मिलने वाले हैं। इट इज कमिंग विद ट्रिपल रियर कैमरा हाउसिंग जो कि 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा लेंस कैरी करता है। साथ ही में 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा एंड 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है फॉर द बेटर एज एंड डेप्थ डिटेक्शन। हाउएवर, इस सुपीरियर दिखने वाले कैमरा सेटअप के साथ आप 4K 30fps अल्ट्रा स्लो मोशन हाई रेजोल्यूटिव वीडियोस एंड फोटोज आप डेफिनेटली कैप्चर कर सकते हो। वेल, स्मार्टफोन की इमेज प्रोसेसिंग को इम्प्रूव करने के लिए द एक्चुअली इनबिल्ट है लेटेस्ट जनरेशन CPU-GPU कॉम्बिनेशन एंड आई थिंक ये MediaTek Dimensity लेटेस्ट सिलिकॉन हो सकती है जो कि CPU रेंडरिंग में इसका क्लॉक स्पीड अप टू द 2.84 GHz तक रहेगा। आई थिंक ये काफी हद तक ऑप्टिमाइज सिलिकॉन है जो कि Adreno G77 M66 GPU ग्राफिक्स के साथ इसमें कोई भी हाई एंड ग्राफिक्स गेम इजीली रेंडर कर सकती है। नाउ गाइस, डिस्प्ले क्वालिटी में इस बार कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है। ये AMOLED पैनल होगा जो कि LTPO टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। साथ ही में इसमें 120 हर्ट्ज का हाई एंड रिफ्रेश रेट होगा एंड 1200 नीट पिक ब्राइटनेस एंड 510 पिक्सल पर इंच डिस्प्ले डेंसिटी होगी। इसमें आप HDR 10 प्लस कंटेंट भी देख सकते हो एंड आई एम रियली होपिंग इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑप्टिकल इन डिस्प्ले हो। इन द टॉप ऑफ द डिस्प्ले यू मस्ट बी नोटिस हियर गाइस 16 मेगापिक्सल वाइड सेल्फी शूटर कैमरा लेंस और ऊपर से गोरिल्ला ग्लास 5 का टच प्रोटेक्शन लगा हुआ है। आउट ऑफ द बॉक्स ये डिवाइस रन करने वाला है MIUI 14 के लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। या गाइस, ये काफी कस्टमाइजेबल UI है जिसे आप अपनी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। दिस UI टोटली बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 12 लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अप अपडेट्स फॉर द 4 ईयर फैक्ट्री 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स। वेल, बैटरी कैपेसिटी में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है या अपग्रेड नहीं है। 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी होगी जो कि 120 वाट फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ इस डिवाइस को विद इन 25 मिनट 100% तक चार्ज करके देगा। वेल, इन काफी सारे कमाल के फीचर्स के साथ में प्राइसिंग ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। दिस डिवाइस बेस वेरिएंट जो कि 8GB 128GB इंटरनल स्टोरेज रूम के साथ आएगा जिसकी कीमत नियर अबाउट आप 14,599 रुपीज तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी कुछ एडिशनल बैंक ऑफर मिला के इसकी प्राइसिंग को आप 1-2 हजार रुपए का डेफिनेटली डिस्काउंट पा सकते हो। ओके, से सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, लॉन्च डेट भी वहां पे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वन। तब तक के लिए पीस, बाय बाय।